अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू खाना बदोश। उम्मीद है आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। हमने ये वाली स्पेगेटीज ली, ठीक है, ये जो मतलब लंबी शेप में होती हैं या एग नूडल्स, हमने ये वाली स्पेगेटीज ली हैं और इनको हमने बीच में से यूं कर दिया है, एक दो, ठीक है, ये बहुत इजीली हो जाते हैं। और फिर हमने ये सॉसेजेस लिए हैं और सॉसेजेस में हमने ये स्क्यूअर है जो अक्सर मैं दिखाती रहती हूँ आप खुद, तो इससे हमने यूं होल किए हैं, ठीक है, इस तरह से यूं प्रिक करें, आर पार कर लीजिए, ठीक है, और फिर इसमें ये आप नूडल्स में इंसर्ट कर दीजिए। आप चाहें तो फुल साइज़ में रखें और आप चाहें तो ये हाफ़ कर लें। मुझे ज़रा मुश्किल हो रही थी कि बॉयल कैसे होंगे, तो मैंने ये एक स्टिक के दो पीसेस कर लिए। आप तीन कर लें या आप सिंगल रखें, सिंगल में मुश्किल होगी, ठीक है। आप इसी तरह प्रिक करके होल्स बना लिए हैं, उसमें चार चार पांच पांच ये स्पैगेटीज जो है इंसर्ट कर दिए। ये देखिए, इसमें हमने ये होल्स किए हैं ये स्क्रूवर के हेल्प से, ठीक, उसमें हमने ये स्पैगेटीज इंसर्ट कर दिए, ये देखिए, ठीक है। और देखिए इस तरह से प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी लगेगी। अब हमने पानी रख दिया है बॉईल करने के लिए, इसमें हम 1/1 डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी तरह हम सब डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गर्म पानी में डालते हुए ज़रा एहतियात कीजिएगा कि पानी उछल के आप पे छींटे ना आए। मैंने फ्लेम लो कर दिया है, डाल लूंगी फिर फ्लेम को हाई कर दूंगी। ये हमारे स्पैगेटीज कुछ सॉसेजेस ये बॉईल हो गई है, ये देखिए, ठीक है। अब हम इसको छन्ने में निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमने छान लिया है, ये सारा हमने स्ट्रेनर में निकाल लिया है, उसका पानी हमने फेंक दिया है, ठीक है। देखिए कितने खूबसूरत शक्ल आ गई है। अब हम बताते हैं आगे का प्रोसेस। हम डालेंगे पैन में 1 टेबलस्पून बटर, इसके साथ ही हम डाल देंगे पास्ता सॉस। इसमें हम वो नहीं डाल रहे लहसुन, डाल देंगे 1 टेबलस्पून हम डाल देंगे पास्ता सॉस। हम डालेंगे इसमें सोया सॉस 1 टेबलस्पून और गार्लिक सॉस। इसमें डालेंगे चिली गार्लिक सॉस तकरीबन 1 टेबलस्पून, चला गया। और जाएगी इसमें टमाटो केचप, ये भी 1 टेबलस्पून। अब हम डाल देंगे इसमें वेजेस, जो शिमला मिर्च है, ये येलो वाली भी है और ग्रीन भी है, गाजर और ये हरी प्याज। अब हम इसे सॉल्ट एंड पेपर, इसके जायका, तो हल्का सा करेंगे हम सौते और डाल देंगे अपने चला गया। और इसमें डाल देंगे हम 1 टेबलस्पून लेमन जूस, पेपर और मिल्क हर्ब। टॉस 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 और ये हो गया रेडी। बिल्कुल
बल्कि मैं इसमें बेबी कॉर्न भी डाल देती हूँ। आप लोगों को पसंद है तो डालिए, नहीं पसंद है तो बेशक स्किप कर लीजिए। ले जी, हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार है। हमेशा की तरह सॉसेजेस विद स्पैगेटीज और स्पैगेटीज विद सॉसेजेस ज़रूर बनाइएगा, और इसी टेक्निक से बनाइएगा ताकि दिखने में भी बहुत अच्छी लगे, ठीक है। और बताइएगा हमें कि कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी और कैसी लगी हमारी टेक्निक आपको। हमें तो बहुत पसंद आई, और ज़रूर खाइए, एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, जहाँ रहें महफूज रहें। अल्लाह हाफ़िज़।